आज जो वन रक्षकों की ट्रेनिंग का जो आधारभूत कार्यक्रम है 3 माह का, उसकी शुरुआत हो रही है। ये राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सिलोरा में 150 वन रक्षक जो है यहाँ पर अगले 3 माह तक ट्रेनिंग लेंगे। कुछ कुल राज्य स्तर पर 2000 से ज़्यादा वन रक्षकों की भर्ती करीब 7 साल के अंतराल के बाद हुई है। इतनी संख्या में ट्रेनिंग स्कूल्स जो कि वन विभाग के हैं उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होने की वजह से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके क्रम में ही जो सेलोरा का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है उसमें 150 वन रक्षकों की ट्रेनिंग की आज आगाज हुआ है, और जो अगले 3 माह तक यहाँ पर वन्य जीव, वन संरक्षण, पौधे किस प्रकार से तैयार करते हैं, आमजन को वनों के लाभ किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का वन्य जीवों के प्रति खतरा है, दुर्भावना है, उसको किस प्रकार से आशंका को दूर किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग दोनों ही प्रोवाइड की जाएगी, दोनों ही प्रदान की जाएगी। सर कितने दिन चलेगी ट्रेनिंग? ये 90 दिन का ट्रेनिंग है, आज से चालू होकर 31 दिसंबर तक। करीब कितने लोग इसमें शामिल होंगे? 150 पुरुष वन रक्षक इसमें शामिल हो रहे हैं। महिला भी? महिला वन रक्षकों की जो ट्रेनिंग है वो अलग दूसरे ट्रेनिंग सेंटरों में हो रही है, जोधपुर के ट्रेनिंग सेंटर के लिए। थैंक यू। आज राज्य सरकार द्वारा नवनियुक्त वन संरक्षकों का प्रशिक्षण के कार्यक्रम का शुरुआत हुई है। लगभग 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग होगी। वो दौरान इनके विभिन्न जो ड्यूटीज़ हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उसका भी उद्घाटन के कार्यक्रम का संपन्न हुआ, जिसमें इनसे आग्रह किया है ये अपने स्थानों पर आम जन को भी वन मित्र के रूप में जोड़ते हुए काम करें, जागरूकता पैदा करें और वन्य जीव, वन्य संरक्षण और वन संवर्धन के रूप में ये लोग काम करेंगे। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार काफ़ी दिनों से जो वन संरक्षकों की कमी थी उसमें लगभग 7,000 के आसपास वन संरक्षकों की नियुक्ति की है। तो इनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज के समय में प्रकृति के संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसमें वनों का महत्व बहुत अधिक है, तो वनों के महत्व को समझाने, समझने और उनका संरक्षण करते हुए हमारी ड्यूटीज़ पूरी करें और जनता को उसका जोड़ते हुए आगे बढ़ें। और भी कोई बातें जो इनकी ड्यूटीज़ की होंगी, इनको प्रशिक्षण मिलेगी, मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.